एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून. दोपहर का टाइम है, 12 बज गए हैं पूरे. बस अब मैं मशीन चलाने जा रही थी, सोचा आपसे बात कर लूं. मैं क्या पहनोगे, गाउन पहना दे आपको. टाई करने के लिए दी हुई थी मैंने एक वो फैब्रिक पे, तो वो बेचारों की मशीन है, चूल्हा उल्ला सब उठा के ले गए. कमेटी वाले कह रहे हैं इसको पथरी होती है ना, पथरी, उस ये खाली पेट इसको एक कप पानी में बॉईल कर लो, 4-5 पत्ते तोड़ के, और फिर आधा रह जाए ना जब पानी, तब इसको खाली पेट पी लो, 10 दिन में पथरी जड़ से खत्म. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून. दोपहर का टाइम है, 12 बज गए हैं पूरे. बस अब मैं मशीन चलाने जा रही थी, सोचा आपसे बात कर लूँ. आज का व्लॉग मैं अभी दोपहर को ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे श्राद्ध शुरू हो रखे हैं, तो श्राद्धों में जो है कपड़े 12 बजे से ही मतलब धोना स्टार्ट करती हूँ मैं. तो अभी 12 बज गए, मतलब अभी मशीन चलाती हूँ और धुल जाएंगे 2-3 घंटे में. बहुत सारे कपड़े भी हो रखे हैं, क्योंकि कई दिन से शॉपिंग के चक्कर में पड़ी हुई थी ना, तो कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो वो धोती हूँ एक तरफ, और एक तरफ जो है अपना थोड़ा बहुत मशीन का काम करती हूँ. तो और गर्वित जो है आज सुबह जल्दी उठ गया था और जल्दी सो भी गया. ये रात को कल जल्दी सोया था, तो सुबह जल्दी उठ गया था. आज ये मेरे साथ ही उठ गया था, 5:30 के आसपास उठ गया था, तब ये सो गया. कपड़े तो देखिए बहुत सारे हो गए हैं मेरे, बहुत सारे, पर कोई बात नहीं, 2-3 घंटे में धुल जाएंगे. मतलब ये कपड़े चला के और काम करती रहूँगी. अभी 12 बजे का चक्कर पड़ गया ना, नहीं तो सुबह सुबह फिर जल्दी धुल जाते. अब फटाफट से मशीन लगा देती हूँ एक बार. तो फ्रेंड्स, जब तक मैं कपड़े धो रही थी, तो इन्होंने जो है ना ये तस्वीर साफ़ कर दी. हमारे दादाजी की तस्वीर है, तो ये जो है कल से जैसे हमारे घर में श्राद्ध है, तो इसीलिए तस्वीर साफ़ कर रहे हैं. यहाँ पे जो है मैंने डिटर्जेंट पाउडर डब्बे में निकाल लिया. असल में ना कल ही धोने वाली थी मैं कपड़े, लेकिन कल पाउडर नहीं था, तो इसीलिए मेरे रह गए. तो रह के ना ऐसे ही कपड़े बढ़ जाते हैं, आज कोई काम कल कोई काम, तो इस करके ना मेरे 5-6 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं. लेकिन कोई बात नहीं, अब काम में लग गई हूँ तो फटाफट हो ही जाएगा. बस एक बार लगने की देर है, फिर तो हो ही जाता है. ये सीढ़ी बड़ी हमारी मस्त है, इतना काम हमारी हेल्प कराती है ना, जबरदस्त. आज सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही थी, सुबह सुबह कपड़े धुल जाते ना, तो फिर मतलब अब तक तो सूख चुके होते हैं. पर अब 12 बजे चलानी थी ना मशीन, तो इसलिए अब चलाई है. ऐसे हवा तो अभी चल रही, पर थोड़ी थोड़ी ना तपन हो गई है, धूप मतलब लग रहा है कि धूप निकलेगी, है ना. हाँ जी, या थोड़ी तो ठीक ही है, मतलब बादल है. थोड़ी सी सब्जी दिलानी थी कल के लिए. कब दिलाओगे? कल हमारे घर में श्राद्ध है एक्चुअली, मतलब हमारी दादी का, तो फिर उसके लिए सब्जी लानी है, तो वो शाम को दिलाओगे. अभी थोड़ी देर में चलोगे, शाम को चला, क्योंकि शाम को ही खड़े होते हैं वो रेडी वाले वहाँ पे, क्योंकि खेत से आती है ना, स्पेशल खेत से लेके आते हैं, यहाँ मंडी उंडी से नहीं लाते. देखते क्या, एक सब्जी हरी बनानी जरूरी होती है, बोलते हैं ग्रीन सब्जी बनाओ. वैसे मेरा यही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं ग्रीन बनाती हूँ, पर कभी कभी ग्रीन बन जाती है. वैसे होनी चाहिए एक सब्जी ग्रीन, मर्जी है दो बनानी है दो बना लो, पर एक ग्रीन ज़रूर रखनी चाहिए. देखते हैं क्या सब्जी मिलती है शाम को. ये देखो कैसे पेड़ हिल रहे हैं ना, फूल तो आ गए. और देखो ये पेड़ है ना जो सामने, ये देखो ये वाइट वाइट से फूल दिख रहे हैं आपको, जो सबसे ऊँचा पेड़ है ये देखो, ये वाला, हाँ ये वाला, ये फूल देख रहे हो, इनमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है रात को, बहुत बढ़िया. इलायची होती है ना, इलायची. हाँ, इलायची जैसी, पेड़ का नाम मुझे नहीं पता, पर इनकी खुशबू ना बिल्कुल ऐसी होती है, मतलब इलायची में से आती है, और वो बड़ी अच्छी लगती है, मतलब लगता है कि हाँ अब त्योहार नजदीक आ गए. किस चीज की बेल है ये देखो, ये बेल किस चीज की है, फूल भी आ गए, देखो इसमें फूल आ गए. देखो मम्मी कह रही थी कि वो है, ये ऐसे है बेकार है, इसमें फूल आते हैं झड़ जाते हैं. पर मेरी तिली इच्छा है यार, कोई घिया या तोरी की बेल हमारे घर में लगनी चाहिए, मतलब मेरे को देखनी है घिया तोरी कैसे लगती है. हमने तो देखी, मैंने सच बताऊं नहीं देखी है. ये हमारी तुलसी जी, ये सही हो रखी है, गोल गोल सी, मतलब इक्वल है. अब की बार हमारी तुलसी ऐसे नहीं है कि ये लंबी लंबी हो गई है, फैलावट में है गोल गोल. और एक ये है हमारी तुलसी, मम्मी ने तुलसी के तो बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, एक उसी गमले में थे बहुत सारे, फिर मम्मी ने ना कई गमलों में कर दी तुलसी. माँ ये इधर भी है, ये देखो जामुन में भी लगा दी, और ये हमारी जामुन नीचे ही मतलब लटकती जा रही है ऊपर की तरफ, इतनी है पतली है बहुत. ये देखो
और ये है हमारे थोड़े से फ्लावर, ये हमारा मनी प्लांट। ऊपर नहीं है सारा, नीचे गया हुआ, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, चल रहा है ना। नहीं ये देखो ये वाली, ये नीचे, ये भी वो पहले ये चलेगी ना, सारी एक साथ नहीं जा सकती ना, फिर वो रस्सी ले नहीं पाएगी। अरे यार ये तो ऊपर कर दो ना, ये भी देखना। अरे ऐसे रहने तो, मत छोड़ो मत छोड़ो भाई ऐसे। ज्यादा नहीं हमने प्लांट लगाए हुए, थोड़े से ही हैं। ये फूल है निकला हुआ, ये कड़ी पत्ता है हमारा, और ये देखिए ये कौन सा है मुझे नाम नहीं पता, बट कलर बहुत प्यारा लगता है इसका, ये एलोवेरा जो आजकल ये यूज कर रहे हैं डार्क सर्कल में। हाँ ये पत्थर चोट होता है, देखो ये वाला, ये ना पत्थर चोट होता है, पत्थरी के लिए बहुत उपयोगी है ये। ये जो पत्ता होता है ना, जिसको पत्थरी होती है ना, पत्थरी उस, ये खाली पेट इसको एक कप पानी में बॉईल कर लो, चार पांच पत्ते तोड़ के, और फिर आधा रह जाए ना जब पानी, तब इसको खाली पेट पी लो, 10 दिन में पत्थरी जड़ से खत्म। क्या कह रहे हो मम्मी? मम्मी ने मिर्च का पौधा लगाया हुआ है, ये देखो मम्मी मिर्चों की थोड़ी ज्यादा ही शौकीन है। ये जो है ना मिर्ची है, मिर्ची हो नहीं रही। मम्मी कितने दिन में लग जाती है मिर्ची इसमें? लगने की है गुंजाइश मिर्ची? देखो मम्मी मिर्ची लगे ना तो मुझे भी खिलाना, मुझे भी हरी मिर्च कुछ ज्यादा ही पसंद है। कितने बड़े कितना बड़ा हो जाएगा जब ये लगेंगी, मतलब कितने बड़े पे लगेंगी मिर्ची? अच्छा बड़ा हो गया। अच्छा शाम को नहीं खाई, अब नहीं खा रही, तो चाय फिर भी पेट भरा। मम्मी ये गलत है ना, ऐसी तो आपकी गैस बनती है, तो खाना खाओ ना। अब जबरदस्ती कैसे खाऊंगा? जबरदस्ती जबरदस्ती खाओ, जैसे गर्वित को खिलाते हो वैसे खाओ। नहीं देख लो मम्मी के काम। मम्मी ये राज है आपका, डाइटिंग कर रही हो आप। मम्मी लहंगा पहनेगी अपने पोते की शादी में ना मम्मी, लहंगे के लिए। फिर मम्मी पतली हो रही है थोड़ी सी। अरे मम्मी हम मोटे ही गाँव, पहली बात तो पतले ही हो। जो पहनाओगे वो ही पहनोगे। मम्मी क्या पहनोगे, गाउन पहना दे आपको? गाउन पहना दे आपको पक्का? मम्मी ले पहन लोगी, गाउन पहन लोगी आप? मम्मी देख लो, मम्मी कह रही है कि जो पहनाओगे वही पहन लूंगी। ठीक है इंदिरा दीदी, अब आप लोग देखोगे जो आप पहनाओगी वही पहन लेंगी मम्मी। चलो लाओ मम्मी की बढ़िया सी ड्रेस, अगर मैं भी लेके आती हूँ जो मम्मी को पसंद, मतलब मम्मी को नहीं, मम्मी कहा तुमने जो पसंद हो जो पहनाओगी वही पहन लूंगी मैं। ठीक है मम्मी, आपकी दो बहुएं और ये वीडियो देखेंगी। ठीक है मैं ये कह रही हूँ, आपकी दो बहुएं और आपकी ये वीडियो देखेंगी तो उनको भी पता लग जाएगा। अब मम्मी कह रही है कि जो तुम लोग पहनाओगे मैं वही पहन लूंगी, तो अब कुछ भी ले आना मम्मी के लिए। ठीक है मम्मी, मम्मी कहती है कि नहीं मैं, मतलब तुम ले आओगे ना उसमें नाम रख दूंगी, ऐसा ले आए वैसा ले। पर शॉप पे जाके मुझे पसंद नहीं आती चीज़ें, पर घर में आए हुए मैं कह दूंगी ये क्या बकवास उठा लाए तुम। आज तो फ्रेंड्स बारिश ने खा काम मेरा ख़राब कर दिया। ये देखो मैं सुबह से लगी हुई थी, कपड़े वो धुल गए, बस चद्दर एक ग्लास बची है, वो अभी सूख रही है, और बारिश आ रही है। 3 बार कपड़े अंदर बाहर कर चुकी हूँ, मतलब पहले बाहर सुखाए फिर बारिश आ गई, फिर अंदर किए फिर बाहर सुखाए फिर बारिश आ गई, 3rd बार अंदर कर दिया। अब नहीं बन जाए, अब वो मैंने अंदर सोफे में फैला दिए, अब जो सुबह होंगी सुबह फैलाऊंगी उनको। पंखा चला दिया बस, ये चद्दर चद्दर निकाल दो, फिर मुझे मार्केट जाना है। मार्केट में वो दे रखा है कुछ काम मैंने, असल में कपड़ा एक फैब्रिक है वो डाई होने के लिए दे रखा है, वही लेने जाना है। तो बस ये करके फिर मैं जाती हूँ मार्केट फटाफट से। ये क्या कर रखा है? क्या करूँगी, मार्केट नहीं चलना है, ये इसी में लगे रहना है। अरे मार्केट भी चलना है, ये कपड़े जरूरी थे, पहले पानी भी बंद हो गया है ना। देखो अब क्या आधे काम तो ऐसे करते हैं, लेट करती है ये काम हमें। अब हमें जाना है। अरे मैं तो रेडी हो रहा हूँ, मेरे को टी शर्ट पहननी है बस, और मैं चलते हैं फिर। चलो जल्दी फटाफट, तुम्हारे 5 मिनट 1 घंटा हो गया बोल बोल के। देखो यार पानी भी खत्म हो गया, नंगी का बस चद्दर सुखानी रहेगी। भगवान ने आज अच्छा तमाशा कर रखा है, अब बारिश रुक गई अभी निकलते हैं फटाफट। चद्दर चद्दर सुखाई है मैंने, सारे कपड़े बाहर अंदर कर दिए, अब सिर्फ चद्दर सूख गए सारे, देखो सोफे पे पड़े हुए अंदर। चलो कोई नहीं, अब तो सुबह ही सुखाऊंगी, अपनी हिम्मत हो रही मेरी बार बार सुखाने की, 3री बार यार थक गई मैं। वैसे ही कपड़े धोने में ज़्यादा हो गए, मार्केट के चक्कर में ज़्यादा हो गए मेरे, मार्केट गए ना तो फिर धोए नहीं, धुले नहीं कपड़े, तो उस चक्कर में हो गए ज़्यादा। अब छोटा सा काम मार्केट का है वो करके आती हूँ मैं फटाफट से। कहीं से सूखा है कहीं से गीला है,
मतलब एकदम से तेज बारिश आ रही है, फिर एकदम से रुक जा रही है, दो तीन मिनट आती है और फिर रुक जा रही है, ऐसे बारिश आ रही है। मतलब अब ठंडा मौसम करने के लिए बारिश हो रही है। नहीं और यहाँ पे देखो अलग मेरे कपड़े गीले हो रखे, तो ठंड लग रही है, हवा ना ही ठंडी लग रही है काफी। पार्क में जाना कैंसिल, फिर बंदा थक जाता है, अगले दिन थकान हो जाती है, इस चक्कर में जो है ना आ ही नहीं पा रही। पर आज कह रहे हैं कि आना है, तो फिर चलो आज आऊँगी। 4:30 तो अभी बज रहे हैं, बस अब जाके खाना वाना तैयार करके शाम का और फिर आ जाती हूँ 6:30 बजे से, और ग्राउंड में जाती हूँ। बहुत मतलब अच्छा लगेगा, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। गड़बड़ नहीं है, ज्यादा नहीं है, अभी अभी लगना शुरू हुआ है, 4 बजे तो लगता है। ये देखिए हमारे यहाँ ना बुध बाजार लगता है, लोकल मार्केट, पर अभी लगना स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो देखो लगाया भी नहीं है। नहीं तो बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे, बहुत भीड़ हो जाती है। ये देखिए ऐसे ना पटरी लगा के बैठते हैं। ये देखो यहाँ पे टेबल लग रही है, यहाँ पे सामान होगा, हर टाइप का मिलेगा आपको सामान। थोड़ी देर में आती तो फिर बाजार भी दिखा पाती मैं आपको, पर कोई बात नहीं। ये देखो तैयारी हो रही है बाजार लगने की, यहाँ पे सब। हाँ नहीं तो लग जाता है 4 बजे, 4:30 हो रहे हैं, बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है मुझे लग रहा है। बारिश आ गई थी ना अभी तो बहुत भारी, अच्छा बाजार लगता है। इधर भी थोड़ा मुझको लगना स्टार्ट हो गया। आज तो लगाई, अभी उतार ही रहे हैं सामान, ही सारा जितने भी खड़े हुए हैं ना रिक्शा, इनमें सब में सामान है, कुछ लगाएंगे अभी यहाँ पे। अरे आज वो ड्राइव वाले भैया बैठे भी हैं कि नहीं? बैठते हैं ना बुधवार को भी, परमानेंट है वैसे उनकी जगह। हाँ हाँ देखते हैं किया कि नहीं है, मेरा काम है। चेंज है आपके पास पैसे? कहीं पेटीएम ना ले, वैसे तो पेटीएम ले ले। आज अभी बारिश की वजह से लगा नहीं है बाजार, नहीं तो आपको हमारे यहाँ का बाजार दिखा देती कैसा लगता है। काफी हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ वो भी सस्ते दामों में, मार्केट से काफ़ी अच्छे रेट सस्ते। उनका तो बता दें भैया का क्या हुआ है जिनके पास? अरे मैं डाई करने के लिए दी हुई थी मैंने एक वो फैब्रिक पे, तो वो बेचारों की मशीन है चूल्हा वूल्हा सब उठा के ले गए, कमेटी वाले कह रहे हैं, तो अब वो आज तो हुआ नहीं करता, आज तो सुबह से ऐसे बैठे हैं, वो कल 10:30 बजे तक कल देगा। मैंने कहा मेरा सामान तो नहीं उठा के ले गए? कहते नहीं नहीं बस हमारे वो जिसमें करते हैं ना वो चूल्हे वगैरह वो उठा के ले गए, तो वो कल मिलेगा, आज तो नहीं है ना। ये तो लूज तो नहीं रखते, ये तो पूरा पैक वो देते हैं बंडल यहाँ से ले। लाहौरी जीरा ले लिया मैंने, मैं तो मना कर रही थी, मैंने कहा एक दो बोतल अपने ले ले लो, ये जितना मतलब ज़्यादा लेके जाती हैं बच्चे उतना ही जल्दी ख़त्म करते हैं, और ये नुकसान की चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती। इससे बढ़िया तो वैसे जूस वगैरह पी लेना, मौसमी वगैरह का वो बढ़िया है। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए घर, और मैं अरे डब्बा गिरेगा, मैं बना लेती हूँ चाय। आज चाय का बहुत मन कर रहा है क्योंकि कपड़ों में एक तो भीग गई ना, तो थोड़ा ठंड सी लग रही है, तो चाय पी के फिर मैं जाऊँगी पार्क। हाँ जी आप चाय लेंगे? आप चाय लोगे या फिर वही जीरा लोगे? जीरा ले लो ना, जब आपको गैस बनी हुई है तो चाय का क्या करोगे? चाय तो मम्मी बोल रही थी छोड़ बाद है इसकी, अब क्या हो गया? नहीं अभी चाय नहीं, तो अभी चाय रहने दो, जीरा ले लो चाय, फिर आके दे दूंगी मैं आपको पार्क से। बोलो बोलो
अब बताओ ना क्या दूं, जल्दी बताओ, फिर मैं अपनी बना रही हूँ। वैसे पूछने आ रही थी, ये चाय नहीं छोड़ सकते, सारी दुनिया चाय छोड़ देगी। मम्मी आपका बेटा चाय नहीं छोड़ सकता, मेरे को मत बोला करो। अब इनकी ना उल्टी आने को हो रही थी और वो लेके आए अपने लिए खरीद के ये जीरा, और यूं कह रहे थे मैं जीरा पीऊंगा जाके, मैं कह रही हूँ चाय पीऊंगी, जीरा कह रहे चाय बना दे। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, पर उससे पहले जो है मैं बच्चों का दूध बना के दे रही हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो बस यहाँ पे अम्मी अनुष्का का दूध बना रही हूँ और साथ में सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी में जो है घिया बनाने वाली हूँ, मम्मी घिया कट कर रही है, जब तक मैं दूध बना के दूंगी मम्मी घिया कट कर देंगी और तड़का वगैरह रेडी करूंगी जब तक घिया कट जाएगी। तो मतलब साथ साथ ऐसे काम हो जाते हैं, मम्मी मेरी बहुत हेल्प कर देती है कटिंग वगैरह करने में। और ये कुछ बात बता रहे हैं बाहर की, अभी दूध लेके आए हैं तो कुछ बाहर की न्यूज़ दे रहे थे हमें। और साथ में ना चावल वगैरह भी साफ़ करने हैं मुझे, कल की तैयारी भी करनी है क्योंकि कल हमारे घर में श्राद्ध है, तो इसीलिए जो है कल की, अब जैसे खाना वाना तैयार करके फिर कल की भी तैयारी करके रख दूँगी साथ में। अरे चलो बाहर बैठते हैं, हवा चल रही है बहुत तगड़ी। मम्मी बाहर बैठते हैं थोड़ी देर, आ जाओ। अच्छा हुआ नहीं क्या? बस तड़का सब्जी छोड़ के फिर आ रही हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवा इतनी तेज चल रही है जबरदस्त। आज क्यों हुआ मम्मी ये ट्रेन में बुरा हालात में? आज क्यों हो गया? आज क्या खाया आपने? आप बताओ क्या खाया? कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, फाइनली कपड़े दोबारा से सुखा ही दिए मम्मी ने, ये तो मना कर रही थी, मम्मी ने सुखा दिए। ठीक है, मेरे बस की थे नहीं इसके, इसके बस की थे नहीं सुखाने। अरे इतनी बार कौन सुखाए बताओ, जब सुखाए फिर बारिश आए, फिर सुखाए फिर बारिश आए, अब शाम ही होगी थी तो फिर ये थोड़े बहुत मम्मी ने फैला दिए, कुछ तो पड़े ही अंदर। मम्मी ने कहा मैं करूंगी ये मोर्चा, मैं संभालूंगी, तो मम्मी ने मोर्चा मार दिया है, मम्मी ने सुखा दिया। उतारने में तो दिक्कत हो जाए, बनाने उतारने में दिक्कत होती है, तो ये काम हो गया। मौसम आज जबरदस्त हो गया मम्मी, मौसम तो है जबरदस्त, ये देखो बादल है आपको दिख रहे होंगे, देखो बादल पूरे यहाँ, देखो चारों तरफ बादल हैं और हवा बहुत ठंडी चल रही है, मजा आ गया। भाई दोनों नमकीन खा रहे हो? फ्रेंड्स अभी 7:30 का टाइम हो रहा है और मैं जो है अवनी का काम करा रही हूँ और साथ में कल के लिए भिंडी काट के रख रही हूँ, क्योंकि कल 4 बजे मुझे उठना है, क्योंकि कल हमारे घर में श्राद्ध है तो इसलिए थोड़ा जल्दी खाना बनाना पड़ेगा, तो इसलिए आज ही कट करके रख रही हूँ। और ये जो है अपना लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पर कर लेते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।